एक्ट पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया और ये समरी पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद अभी काबीना को भेजी जा रही है और हमने पूरी कोशिश की मुतद्दद मर्तबा मैं खुद तहरीक खत्म नबूवत और नामूस रसालत का सफाई हूं, मेरे से ज्यादा किसी ने खत्म नबूवत की जेल नहीं काटी और जिस मुल्क में तहरीक खत्म नबूवत का सफाई वजीर दाखला हो और वहां इस किस्म के सोशल मीडिया पे पैगाम देना कि तहरीक खत्म नबूवत खतरे में है या नामूस रसालत पर बात आ सकती है, इमरान खान ने खुद यूनाइटेड नेशन में नामूस रसालत का झंडा उठाया। जो अकल के अंधे ये पैगाम देना चाहते हैं वो ये याद रखें कि वजारतें कोई चीज नहीं नामूस रसालत और खत्म नबूवत के आगे, लेकिन आपने एम्बुलेंसेस रोकी हैं, आपने वो ऑक्सीजन जो सैकड़ों कोविड-19 के मरीजों के लिए वेंटिलेटर्स के लिए जा रही थी उनके रास्ते में रुकावट की है। मैं आज तारीख याद कराना चाहता हूं कि मैंने जब मुस्लिम लीग नून ने खत्म नबूवत के खिलाफ तरमीम लाई तो मैंने जुमे का नोटिस दिया कि जुमे तक वापस ले लो, मेरे इसरार पर उन्होंने मिन्नत की और जुमे रात की रात तक मुझसे वक्त मांगा। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी ने भी उसको वोट दे रखा था, लेकिन यह कहना कि हमारे दौर में खत्म नबूवत के खिलाफ या नामूस रसालत के खिलाफ बात हो सकती है, इन ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जीटी रोड सारी बहाल हो चुकी है, मोटरवे सारा बहाल है, दो पुलिस वाले और दो शहीद हुए हैं और 340 जख्मी हुए हैं और सोशल मीडिया पर सड़कों को ब्लॉक करने वाले और बदामनी का पैगाम देने वालों के पीछे कानून पीछा कर रहे हैं। जिन पुलिस वालों को इन्होंने अगवा करके हमसे मुतालबे कर रहे थे वो पुलिस वाले भी वापस अपने थानों में पहुंच गए हैं जिनको इन्होंने अगवा कर लिया था। अब मैं कौम को हकीकत बताना चाहता हूं, पहला रोजा है, अल्लाह के कब्जे में जान है, हम आज भी कायम हैं कि हम बिल कौमी असेंबली में पेश करें, ऐसा बिल पेश करें जिससे नामूस रसालत का और खत्म नबूवत को तो कोई डर नहीं है इस मुल्क में अल्लाह के हुक्म से, जिसमें के नबी का झंडा बुलंद हो, हम वो तैयार हैं। और हमने कई मरतबा इनसे मीटिंग्स की, जब ये मीटिंग्स पे आते थे तो घर में रिकॉर्डिंग करा के आते थे कि आपने फलाना चार्ज आपने संभालना है, फलानी सड़क को आपने ब्लॉक करना है, फलानी जगह आपने ये करना है। आखिरी वक्त तक हमारी ये कोशिश रही कि हम एक मसवदा जो है एक करारदाद इनसे बाहमी इत्तफाक राय से असेंबली में पेश करने के लिए इनको राजी कर लें, लेकिन हमारी तमाम तर कोशिशें नाकाम हुई और तमाम तर कोशिशों की नाकामी की एक बड़ी वजह यह भी थी कि वो हर सूरत में फैजाबाद चौक आना चाहते थे, वो हर सूरत में इस्लामाबाद आना चाहते थे और उनकी एक बड़ी लंबी तैयारी थी और हमने उनकी इस बड़ी लंबी तैयारी को जो उन्होंने तैयार कर रखी थी उसको काउंटर करने के लिए पुलिस ने बड़ा जबरदस्त काम किया है। मैं पुलिस को, रेंजर्स को, अस्करी अदारों को, इंटेलिजेंस अदारों को, सबको दाद देता हूं और इस मजहबी जमात के वो लोग जो मीडिया चला रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप सरेंडर कर दें, आप गलती बने, एक दिन चला लेंगे मीडिया, दो दिन चला लेंगे, चार दिन चला लेंगे सोशल मीडिया से, अगर आप ये समझते हैं कि किस हुकूमत को आप मसाइल से दोचार कर सकते हैं तो आप अपने आप को मसाइल से दोचार कर सकते हैं। जहां तक खत्म नबूवत का तल्लक और नामूस रसालत का तल्लक है, शेख रशीद की जान हाजिर है,
लेकिन जो मसवदा आप तकाजा कर रहे हैं, हम ऐसा मसवदा चाहते हैं जिससे नबी का झंडा बुलंद हो और काला काला रसूल अल्लाह का आलम बुलंद हो, लेकिन आप जो कह रहे हैं उससे दुनिया में हमारे लिए एक इंतहा पसंदाना सोच की मुमलिकत का तासर जाता है। और जब बात आदमी मुजाकरात में लाता है तो उसमें वो गुंजाइश रखता है कि रियासत को, रियासत के मामलात को भी मलूज़े खातर रखा जाए। ये बहुत बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है लेकिन मेरे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, 5 मिनट सवालों के मैं हाजिर हूं। देखें वो जो चाहते थे 18 मार्च को, उसमें 18 मार्च को पुलिस से राइफल छीन कर यहां इस्लामाबाद में फायरिंग भी की गई, वो एक ऐसा ऐसा मसवदा चाहते थे जिससे ये सारे यूरोपी यूनियन, इस वक्त फ्रांस हेड कर रहा है एक मुल्क को, लेकिन हमें नामूस की, रसालत की नामूस पसंद है, वो एक ऐसा मसवदा चाहते थे जिससे ये सारे लोग ही यहां से फारिग हो जाए। जी हमने नहीं हिकमत अमली बनाई हुई थी, उन्होंने बनाई हुई थी, वो वेल प्रिपेयर थे। उनके आज हम डोनेशन देने वालों को भी कहा, हमने जरा बाजपुरस की है, वो बहुत तैयारी में थे और हुकूमत की पुलिस ने और रेंजर्स ने कमाल दिखाया कि 8-10 घंटे में ही सारे मामलात को, थोड़े थोड़े लाहौर इनर में चौक है, फैसलाबाद में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत तैयार थे। वो हमसे जितने भी उन्होंने मजाकरात किए, मजाकरात में आने से पहले वो अपनी सारी सोशल मीडिया पे रिकॉर्डिंग करा के आते थे कि इस चौक को यहाँ से बंद करना है, मोटरवे को ये करना है, जीटी रोड को ये करना है। सो देवर मोर प्रिपेयर्ड देन अस, बट टुडे वी हैव डिसाइडेड दैट बैन ऑन TLP एंड दिस फाइल इज गोइंग टू कैबिनेट फॉर द अप्रूवल फ्रॉम टूडे। जिससे मर्जी करें, ये तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का मसला है। फैजाबाद को हमने एहतियातन बंद रखा हुआ, इसलिए नहीं कि कोई वहां वो मौजूद है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी नहीं थी, ये लोग वेल प्रिपेयर थे, लेकिन हमने स्ट्रेटजी के तहत फैजाबाद को शाम को आज खोल देंगे। हमने देखे एग्रीमेंट तो हमने जो किया है उस पर कैम थे और कैम है, लेकिन जो तकाजा वो मसवदे का कर रहे वो इस मुल्क की दुनिया में जो है एक इंतहा पसंद मुल्क के नाम से पैगाम देने के लिए हम तैयार नहीं थे। हम कम लफज, कम नर्म, शायस्ता और पार्लिमानी जबान में वो करारदाद आ रहे थे जो उन्होंने यक्सर मुस्तरद कर दी। लास्ट 3 क्वेश्चन। नहीं, अब करारदाद क्यों आएगी, अब तो करारदाद का ना उन्होंने मुतालबा किया, लेकिन ये है कि हम ये फैसला प्राइम मिनिस्टर का आ भी जाए, लेकिन करारदाद वही आएगी जिससे पाकिस्तान का दुनिया में इमेज आशकान रसूल का जरूर जाए, इंतहा पसंदी का न जाए। एजाज कानून के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, अभी जो FIRs दर्ज होंगी, जो FIRs है वो कानून के मुताबिक होंगी। पाकिस्तान में अजीम अदलिया है, हर एक को अदलिया पर जाने का हक हासिल है। मैंने जो पंजाब से पास होकर करारदाद आई उसको अप्रूव करके कैबिनेट में तहरीके तालिबान पर पाबंदी लगाने की समरी भेज दी। तहरीके लबैक एक ही मुंह से निकल गया। जी शेख साहब, दो छोटी सी बातें हैं, पुलिस ने जो रोल प्ले किया और जिस तरह मार खाई, क्या पुलिस के लिए कोई इंसेंटिव दे रहे हैं? जरूर देने चाहिए। एक बात सर, देने चाहिए आपने, देने ही नहीं, एक तो ये बताइए। दूसरा शेख साहब, एक आपकी गलती की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा और होप आप इस पे कमेंट करेंगे। माजी में आप भी इसी जमात को सपोर्ट करते रहे और सियासत में ही आ गए, आप क्या ऐलान करेंगे कि आएगा किसी सियासी जमात को मजबूर आप अपने सियासी मकासद के लिए मजहब को हथियार नहीं बनाना हो? मैंने कभी इस जमात से 2016 से वजूद में आई ना, कभी मैं खादम हुसैन रिजवी साहब से मिला ना साद रिजवी से मेरी मुलाकात हुई,
जो लोग मुजाकरात करते रहे, मैं अपने ऑफिस में बैठा रहा। रोजे में आपको कह रहा हूं, मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई, ना मेरी इनके साथ सियासत है, लेकिन तहरीक नामूस रसालत मेरी जान से करीब है और खत्म नबूवत किसी पार्टी की नहीं, 22 करोड़ लोगों की जमात है। राइट जी, आप दोनों तरफ से जो है वो पाकिस्तानियों की डेथ हो रही है, क्या कहेंगे कि आप पहले अपोजिशन में थे तो यही कुछ होता रहा कि आज आप इख्तदार में तो भी यही कुछ होता रहेंगे, इस पे आप क्या कहेंगे? आप क्या देखें, गुजारिश ये है कि थानों पे हमले हुए हैं, पुलिस को अगवा किया गया है और नहाते पुलिस वालों को चौकों में पकड़ के मोटरसाइकिलों से उतार के मारा गया है। सियासी पार्टियों में जब हमने भी सियासत और अपोजिशन की है, जब कोई गिरफ्तारी का हमारा मचलका आता था तो हम गिरफ्तारियां देते थे, आगे से अपने वर्करों के जरिए पुलिस को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाते थे, एम्बुलेंसों में लोग नहीं मरते थे और ऑक्सीजन की गाड़ियां नहीं रुकती थी जिस मुल्क में कोविड-19 चल रहा हो, और किसी को शौक नहीं था। ये सियासी हालात की बुनियाद पर नहीं बल्कि इनके किरदार की वजह से इनको TLP को बैन किया जा रहा है पाकिस्तान में। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।